हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा इफेक्टिव डीआईवाई फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन को जो डल हो चुकी है उसको ब्राइट करेगा, आपकी स्किन की जो टोन है आपका स्किन टोन उसको दो तीन शेड्स लाइट करेगा। अगर आपकी स्किन पर कोई भी इन्फेक्शन आपके फेस पर वो उसको ट्रीट करने में हेल्प करेगा। अगर आपकी स्किन पर आपके पुराने एक्ने के मार्क्स हैं वो उनको हेल्प करेगा रिड्यूस करने में। और अगर आपको टैन है, जैसे कि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो हमें टैनिंग हो जाती है यूजुअली, तो वो उसको भी ट्रीट करता है। एंड हमारी एजनिंग को फाइट करने में अगेंस्ट फाइट करता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स इस DIY फेस मास्क में हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है, तो बिना किसी बात की देरी किए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो DIY फेस मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए संतरे के छिलके, नींबू का छिलका और कुछ बादाम। जी हाँ, सामान बहुत कम है आप सोच रहे होंगे, बट इफेक्टिव है ये और सफिशियंट है। जितना मैंने आपको बताया कि ये किस चीज़ों में हेल्प करेगा ये उसके लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेशो की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी DIY को बनाने के लिए। जैसा मैं हर वीडियो में अपने बोल चुकी हूँ, तो लेट सपोज़ कि अगर मैंने एक संतरे का छिलका लिया है तो मुझे हाफ नींबू का छिलका चाहिए और दो बादाम चाहिए। आपको बादाम बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ध्यान दीजिएगा। नींबू के छिलकों को और संतरे के छिलकों को आपको धूप में नहीं सुखाना है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल भी इसको धूप में नहीं सुखाना है। इन सबको अब मैं ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड करने के बाद में ये कुछ ऐसा बन जाएगा और मैजिक। तो पीसने के बाद में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एकदम थोड़ा ही दरदरा रहता है, एकदम पाउडरिश फॉर्म में नहीं रहता है, आप देखेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसको यूज़ कैसे करना है। काफ़ी ज़्यादा है अभी के लिए, मैं इसको थोड़ा निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऑरेंज पील पाउडर ले लिया है। अब मैं इसमें कच्चा दूध ऐड करूँगी। आपके पास अगर कच्चा दूध नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो आप इसमें कच्चा दूध ही ऐड करें। तो दूध मिक्स कर चुकी हूँ मैं इसमें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लगाते कैसे। इसको लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको नीचे से, आपको गर्दन से ऊपर की तरफ लगाना है और आपको राउंड राउंड, क्योंकि ये थोड़ा दानेदार रहता है तो ये ऐसा एक्सफोलिएटर भी काम करेगा जब आप इसको यूज़ करेंगे। एंड इसको आपको नॉर्मली इस तरह से लगाना है सर्कुलर मोशन में। एंड जब लगाएंगे फिर उसके बाद में जब आप इसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के कर लेंगे, फिर आप इसको अपने फेस पर लगा रहने दीजिए। एंड देन उसके बाद जब ये सूख जाए तो आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। तो फेस वॉश करने के बाद में आप मेरी स्किन को देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लाइट ब्राइट लग रही है मेरी स्किन। मैंने अभी फेस वॉश करने के बाद कुछ भी नहीं लगाया है अपनी स्किन पर, कुछ भी नहीं लगाया, आप देख सकते हैं। एक मुझे तो अपनी स्किन बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रही है। आप भी इस रेमेडी को ट्राई करिए। अगर आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है या आपको ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है, आप डेफिनेटली इस रेमेडी पर जाइए। ये बेस्ट 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 रेमेडी है टैनिंग के लिए और ब्लैकहेड्स हटाने के लिए। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय।